नमस्कार। इस समय हम कैथल जिले के गांव कुतुबपुर में पहुंचे हैं और जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो आज गांव कुतुबपुर में पहुंची हैं और लगभग सभी विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहां पहुंचे हैं। मौके पर ग्रामीण भी पहुंचे हैं। तो फैमिली आईडी या जो भी अन्य समस्याएं, बुढ़ापा पेंशन है और डॉक्टरों की टीम है, वो भी यहाँ पहुँची हुई है। आयुष्मान से संबंधित सभी डिपार्टमेंट, कृषि विभाग भी यहाँ पहुँचा हुआ है ताकि लोगों की समस्या का जो समाधान है वो उनके घर पर ही हो सके। तो मुख्य अतिथि के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता राजपाल तंवर यहाँ पहुँचे हैं और जो जिला महामंत्री है संधु साहब, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। तो उनसे भी जानकारी लेंगे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का क्या कुछ मकसद है और आज गांव कुतुबपुर में पहुँची है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। और जैसे ग्रामीण भी यहाँ पहुँच रहे हैं समस्याओं को लेकर, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता राजपाल तंवर हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो मकसद है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो भारत संकल्प यात्रा आज गांव कुतुबपुर में पहुंची है, क्या कुछ इसका मकसद है, किस तरह का जो संदेश ये यात्रा दे रही है? ये मोदी जी की गारंटी की जो गाड़ी है वो हर गांव में जा रही है। मोदी जी की गारंटी है कि किसी भी गांव में रहने वाले नागरिक को उसका जो भी काम होगा उसके घर में जाकर किया जाएगा, इसलिए गाँव गाँव जा रहे हैं। अब कुतुबपुर में ही 7 नई पेंशन, बुढ़ापा पेंशन आज बनाई है, कहीं आईडी ठीक करी है, लोग जो बीमार हैं उनको दवाई दे रहे हैं, बैंकों में खाता खोला जा रहा है, ड्रोन ले आया हुआ जो किसानों को दिखाएंगे भी कैसे नोनो खाद का स्प्रे किया जाता है। तो हर काम गांव कुतुबपुर में हो रहे हैं और इस देश का और इस प्रदेश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दी है उसके तहत पूरा काम हुआ। अंत्योदय योजना भी यही कहती है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी उसको लाभ मिलना चाहिए, इसी के तहत यह विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव में जा रही है। आज कुतुबपुर में है, दोपहर बाद फिर मुंदड़ी में है। कोई समस्या किस 26 जनवरी तक इस प्रदेश के अंदर कोई समस्या नहीं बचेगी। ज़्यादातर समस्याएं फैमिली आईडी को लेकर हैं, तो कुछ यहां ग्रामीण भी हैं, उनकी समस्या समाधान नहीं हो रहा है। ज़्यादातर समस्याओं का यहीं पर समाधान किया जाता है, कुछ जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उनके लिए हम चंडीगढ़ उनको भेज देता है। ये जो स्टाफ आया हुआ है बड़ी मेहनत कर रहा है, वो चंडीगढ़ से ठीक होकर भी इनके आ जाएगी, 100% सबकी समस्या हल होगी। मतलब ये बोल सकते हैं जिसका यहाँ मौके पर समाधान नहीं हो रहा है उनका, मतलब रिक्वेस्ट वगैरह डाली जा रही है, उसकी रिक्वेस्ट डाली जाएगी और वो ऊपर से ठीक होकर आ जाएगी। तो ये थे जो मुख्य अतिथि राजपाल तंवर जी। अब जो सुरेश संधु जी, उनसे बातचीत करेंगे, जिला महामंत्री है, उनके गाँव में संकल्प यात्रा पहुँची है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी है जो सभी गांव में जा रही है अपने हरियाणा के। इसमें सभी काम भाई, जो अपने गांव में कोई समस्या है किसी की, किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित है, उसका वहीं पर समाधान किया जा रहा है इसमें। जैसे आपके गांव में पहुंची है, ग्रामीण आपसे मिल रहे हैं, उनकी समस्या समाधान कराओ, तो किस तरह से आप सहयोग कर रहे हो? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जो जैसे फैमिली आईडी की है, उसमें परिवार का अलग से बिजली का बिल होता है, इसलिए कुछ समस्या आ रही है। नहीं वैसे तो जो कोई नाम जोड़ना वो करना उसमें तो जल्दी हो जाता है, ये थोड़ा अलग करने वाला में थोड़ी समस्या है अभी। तो आप मानते हो कि जल्दी समस्या समाधान जिनका आज नहीं, समस्या समाधान हो जाएगा? मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है ये मामला, इसको जल्दी इसके बारे में भी कोई इसमें डाल लेंगे पोर्टल पर, ऑप्शन भी देंगे इसको अलग करने की, इसका भी जल्दी समाधान हो जाएगा विक्रम जी। तो आपको लगता है कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव जा रही है, लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है? बहुत बेनिफिट मिल रहा है। जैसे जिसका उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन नहीं है उसको कनेक्शन वहीं पर दिया जाता है, जिसकी पेंशन नहीं है उसको पेंशन दी जाती है, किसी की और समस्या है बैंक से संबंधित है, कोई राजस्व विभाग से संबंधित है, सभी डिपार्टमेंट यहाँ आए हुए हैं।